हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने राशन कार्ड में एक नया मोबाइल नंबर कैसे लिंक करवा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने कोटेदार के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटीज आपको अपने मोबाइल फोन से ही करने के लिए दे दी है। तो दोस्तों, ये कैसे करेंगे हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नॉलेज वीडियो लेकर के आऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक मोबाइल नंबर को अपने राशन कार्ड से लिंक करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, राशन कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करने के लिए, लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा प्ले स्टोर में, एंड यहां पर दोस्तों सर्च वाले ऑप्शन पे लिखना है मेरा राशन। यहाँ पर जब आप मेरा राशन लिखेंगे तो यहाँ पर मेरा राशन 2.0 का एक एप्लीकेशन दिख जाएगा। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से रहेगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल कर चुके हैं, यहाँ पर करेंगे ओपन। तो जैसे आप यहाँ पर ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा, बेनिफिशियरी एंड डिपार्टमेंट। तो आपको बेनिफिशियरी पर सिलेक्ट करने देना है और उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना है। सबसे खास बात यह है कि दोस्तों, आपके राशन कार्ड में जितने सारे यूनिट होंगे किसी का भी आधार कार्ड से इसमें लॉग इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर को फिल कर लेते हैं। आधार कार्ड नंबर को फिल कर लेने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करेंगे। ये कैप्चा जिस प्रकार से लिखा होगा, स्मॉल या फिर कैपिटल या फिर नंबर वर्ड, सेम उस प्रकार से यहाँ पर इस कैप्चा को फिल कर देना होगा। उसके बाद लॉगिन विथ ओटीपी पर क्लिक कर देना होगा। आपका ओटीपी सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ सेकेंड वेट करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। तो यहाँ से दोस्तों ओटीपी को जो है यहाँ से फिल कर देंगे। चलिए यहाँ से हम ओटीपी को एक बार फिर से देख लेते हैं, यहाँ से स्लेट डाउन करेंगे, उसके बाद देख लेंगे। ओटीपी को देख लेने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सफलतापूर्वक यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। अब ये बता रहा है कि अगर आप इस एप्लीकेशन में कोई पिन सेट करना चाह रहे हैं तो क्रिएट नाउ पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर स्किप कर देंगे। तो हम यहाँ पर अभी स्किप करेंगे। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका सबसे पहले राशन कार्ड दिखाएगा कुछ कार्ड के रूप में। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर पेंडिंग मोबाइल नंबर, अगर आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक होगा तो दोस्तों यहाँ पर पेंडिंग वाले सेक्शन में आपको देखने को मिलेगा पेंडिंग मोबाइल नंबर अपडेट। तो सिंपल से आपको इसी पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये बोल रहा है दोस्तों, अपडेट द मोबाइल नंबर वेरीफाई फैमिली मेंबर। तो एरिया ऑन वेरीफाई फैमिली मेंबर, तो अभी दोस्तों यहाँ पर इसमें दो यूनिट है, तो दोस्तों यहाँ पर दोनों पर मोबाइल नंबर लिंक करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले पर करके देखते हैं। ऊपर वाले पर टाइप करेंगे, यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन पर। अब दोस्तों यहाँ पर उसका नाम और यहाँ पर जेंडर दिखाएगा। सिंपल से इस वाले ऑप्शन पर मोबाइल नंबर को फिल करना होगा। तो यहाँ से हम उसका मोबाइल नंबर को फिल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिल कर लिया है। अब दोस्तों सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओटीपी भेजा जा चुका है। तो दोस्तों हम ओटीपी का वेट करेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, आप यहाँ पर आधार ओटीपी जाने वाला है। तो यहाँ पर ओटीपी आ चुका है, तो हमने यहाँ पर ओटीपी को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो चुका है। अब आप देखेंगे कि यूअर रिक्वेस्ट हैज बीन सक्सेसफुल सबमिट डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर। तो दोस्तों ये सप्लाई ऑफिसर आज की डेट दिख जाएगा और यहाँ पर एक रिक्वेस्ट नंबर भी दिख जाएगा और यहाँ पर कर देंगे ओके। तो अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला दोस्तों यहाँ पर ब्लर हो चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है मोबाइल नंबर रिक्वेस्ट की, इसको इधर कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे वाले को सेम प्रोसेस करेंगे, वे वाले पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर को यहाँ से फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे, मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब देखेंगे कि ओटीपी वेरीफाइड यहाँ पर भी हो चुका है, ओके कर देंगे। ये रिक्वेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर जो है सबमिट हो चुकी है। अब आप देखना चाहेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पर दिख रही है, तो सिंपल से आपको आना है बैक। बैक आ जाने के बाद यहाँ पर आपको तीन लाइन पर क्लिक करना होगा यहाँ पर। तो इन तीन लाइन पर क्लिक कर लेंगे। तीन लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा, हिस्ट्री लिखा हुआ, इसी पर क्लिक करेंगे।
जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके जितने सारे रिक्वेस्ट होंगे सभी यहाँ पर हिस्ट्री पर दिखेंगे। यहाँ पर आपकी डेट दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर हमने दो मोबाइल नंबर को ऐड किया है एंड तीसरा यहाँ पर एक फैमिली मेंबर को ऐड किया है, तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप घर बैठे ही अपने मोबाइल आधार कार्ड में सॉरी अपने राशन कार्ड में जो है अपना मोबाइल नंबर को लिंक कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों जानकारी समझ में आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।